आज बजरंगबली का जन्मोत्सव है। देश भर में आज इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोलन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। सोलन जिला मुख्यालय स्थित बरूरी मंदिर में बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया। बरूरी मंदिर के महंत प्रकाश गिरी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से इसी तरह हनुमान जन्मोत्सव को यहां मनाया जा रहा है। अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर यहां पर हवन यज्ञ किया गया है। उसके बाद लोगों के लिए यहां पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। उन्होंने युवाओं और लोगों से अपील की है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने में वे लोग आगे आए। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वह हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बरूरी मंदिर में पिछले 4 वर्षों से अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर हनुमान जन्म उत्सव को मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा यहां पर हर प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है। आज गुरुवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों को अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करें और हमारे सनातन के धर्म को बढ़ाने का स्वागत करें। यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ हुआ है, गायत्री हुई है। देखो जी, जो हनुमान जन्मोत्सव हुआ इस पर अखंड रामायण का पाठ किया गया और हनुमान चालीसा का भी और गायत्री के मंत्र किए गए और आज यहाँ अभी हवन होगा और हवन के बाद यहाँ आज भंडारा होगा। इसलिए सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हनुमान जन्मोत्सव की सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे महंत श्री सेवागिरी जी महाराज की तपोस्थली सोलन ब्रूरी में हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें रामायण का अखंड पाठ रखा गया और अभी आज भंडारे का भी आयोजन इसमें किया गया है। तो हवन के बाद सभी हमारे जो शहरवासी हैं उनको हमारी ओर से, बरूरी निवासियों की ओर से निमंत्रण है कि आए और प्रसाद ग्रहण करें। ये 4 वर्षों से हमारे ये आयोजन लगातार हो रहा है। इससे पहले अभी राम जन्म पे भी हमने इसमें आयोजन रखा था माता भगवती के पाठ वगैरह का, तो ये निरंतर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चलती रहती है। तो आज भी हमें जन्मोत्सव पे हनुमान जी के ये आयोजन किया अखंड पाठ का। आज बजरंगबली का जन्मोत्सव है। देश भर में आज इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोलन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। सोलन जिला मुख्यालय स्थित बरूरी मंदिर में बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया। बरूरी मंदिर के महंत प्रकाश गिरी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से इसी तरह हनुमान जन्मोत्सव को यहां मनाया जा रहा है। अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर यहां पर हवन यज्ञ किया गया है। उसके बाद लोगों के लिए यहां पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। उन्होंने युवाओं और लोगों से अपील की है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने में वे लोग आगे आए। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वह हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बरूरी मंदिर में पिछले 4 वर्षों से अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर हनुमान जन्म उत्सव को मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा यहां पर हर प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है। आज गुरुवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों को अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करें और हमारे सनातन के धर्म को बढ़ाने का स्वागत करें। यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ हुआ है, गायत्री हुई है। देखो जी, जो हनुमान जन्मोत्सव हुआ इस पर अखंड रामायण का पाठ किया गया और हनुमान चालीसा का भी और गायत्री के मंत्र किए गए और आज यहाँ अभी हवन होगा और हवन के बाद यहाँ आज भंडारा होगा। इसलिए सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हनुमान जन्मोत्सव की सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे महंत श्री सेवागिरी जी महाराज की तपोस्थली सोलन ब्रूरी में हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें रामायण का अखंड पाठ रखा गया और अभी आज भंडारे का भी आयोजन इसमें किया गया है। तो हवन के बाद सभी हमारे जो शहरवासी हैं उनको हमारी ओर से, बरूरी निवासियों की ओर से निमंत्रण है कि आए और प्रसाद ग्रहण करें। ये 4 वर्षों से हमारे ये आयोजन लगातार हो रहा है। इससे पहले अभी राम जन्म पे भी हमने इसमें आयोजन रखा था माता भगवती के पाठ वगैरह का, तो ये निरंतर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चलती रहती है। तो आज भी हमें जन्मोत्सव पे हनुमान जी के ये आयोजन किया अखंड पाठ का।